हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा अपडेट आज देना है कि अभी रिसेंटली मैंने नए DL के लिए अप्लाई किया हुआ था जो आज आ गया। दरअसल अपनी रेटिका में कुछ दिनों पहले क्लेम लेने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ये कहीं किसी सिस्टम में मिल नहीं रहा है ऑनलाइन, सो आपको नया DL लेना पड़ेगा। और जैसे कि ये किसी भी रिकॉर्ड में नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस, इस वजह से मुझे पहले लर्निंग लेना पड़ा, फिर लर्निंग को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कराया। और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 3-4 महीने का टाइम लग गया। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इट्सेल्फ एक्चुअली गवर्नमेंट हैज़ मेड एवरीथिंग ऑनलाइन, यू कैन अप्लाई इट ऑनलाइन, यू कैन गेट इट ऑनलाइन। Even I think you can give the test online as well. So, वो प्रोसेस क्या है वो उसकी जानकारी मुझे पूरी नहीं है, बट जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया उसमें थोड़ा टाइम लग गया, बट फाइनली ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। और पिछली बार क्लेम देते समय जो इंश्योरेंस के ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला था कि आप इसको बदलवा लीजिएगा, अदरवाइज गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको कोई क्लेम लेना होगा तो दिक्कत होगी। सो मैंने सोचा कि चल के करवा लेते हैं, रास्ते में ही था तभी मैंने फ़ोन किया उनको तो पता लगा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है और अगली बार जब आप क्लेम लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और इसमें शायद कुछ चेंज करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगेन फ्रॉम माई इंश्योरेंस कंपनी I'll get it checked कि अगर चेंज कराने की ज़रूरत है तो मैं उसको चेंज करा लूँ। सो घर से निकल चुका था तो सोचा कि चलो कुछ खाया ही जाता है, लंच का टाइम हो रहा था। सो नोएडा में एक रोड है सेक्टर 57 के आसपास, सो वहाँ पे गया। मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ, कृष्णा हाई फाई लिट्टी चोखा शॉप है, एक स्टॉल है, काफ़ी पुराना जानने वाला है मेरा, उसके वहाँ पे आता रहता हूँ। आज वो नहीं था तो उसके रिकमेंडेशन पे एक दूसरी स्टॉल से मैंने आज फिर लिट्टी चोखा का मज़ा लिया। और गर्मी है काफ़ी यहाँ दिल्ली NCR में, प्लस थोड़ी सी उमस भी है, बट इस लोकेशन पे जब आप आएंगे 57 के आसपास तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है रोड साइड में और आप पेड़ के किसी भी पेड़ के नीचे गाड़ी लगा के आराम से लिट्टी चोखा का मज़ा ले सकते हैं। ये है वो स्टॉल जहाँ से मैंने खाया, इनफैक्ट ये कृष्णा के ही रिलेशन में आता है। और अभी नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको पूरा सारे लिट्टी चोखे वालों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, इसलिए ये सारे एक ही जगह आते हैं, अदरवाइज ये पूरा रोड के साइड में स्प्रेड थे। और सो यहाँ से खाने के बाद वापस जाते समय मैं प्लान बना रहा हूँ कि कल दिल्ली का एक पुराने दिल्ली का छोटा सा ट्रिप किया जाए, ब्लॉग बनाया जाए। और अभी थोड़ा सा और मुझे चीज़ों को फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस बैटरी का बैकअप, इस एक्शन कैमरे की बैटरी का बैकअप इतना नहीं है, एक 1.25 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती है, तो मुझे इसका अल्टरनेट सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बैटरीज और प्लस कार के अंदर चार्ज करने की फैसिलिटी भी बनानी होगी ताकि मैं इसको कार के अंदर चार्ज कर सकूं। साथ में पुरानी दिल्ली जानने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि अभी रिसेंटली काफ़ी टाइम से मैं यहाँ नहीं गया, लगभग 3-4 साल हो गए दिल्ली NCR में रहने की वजह से, या आप जहाँ भी रहते हो वहाँ की लोकेशन
और वहाँ के जो अच्छे डेस्टिनेशन से आप नॉर्मली उनको इग्नोर कर दिया करते हो, टेक इन फॉर ग्रांटेड लेते हो। भाई मेरे साथ भी हो रहा है, दिल्ली NCR के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, हिस्टोरिकल हैं या फूड के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, आप वहाँ जाके उन जगहों पर इंजॉय कर सकते हो। बट वही है कि आप अपनी जिन जगहों पर रहते हो वहाँ की आसपास की चीज़ों को उतनी वैल्यू नहीं देते। प्रयागराज मेरा होम टाउन है, जहाँ पे देश तो नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए। और वहाँ रहने वाले लोग शायद साल में एक या दो बार जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ प्रयागराज में भी, और वही अभी हो रहा है दिल्ली NCR में भी। तो इन जगहों को फिर से एक बार एक्सप्लोर करना है, कुछ दिल्ली की पुरानी जगहों को और कुछ ट्रेडिशनल फूड जो मैंने यहाँ दिल्ली में खाए, लोगों को शायद ना पता हो, वो भी मैं अपने ब्लॉग के थ्रू लेके आऊँगा। सो आप लोग देखते रहिए, और जब कभी नई पोस्ट आएगी तो आपको कुछ नई चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। इसी प्रॉमिस के साथ आज का ब्लॉग यही एंड कर रहा हूँ। आप सबके टाइम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।